नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए हैं। आशीष काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए उठा के मारा है सीधे 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी आशीष लय से भटकते हुए दो गेंद अच्छी डाली थी। तीसरे गेंद पर छक्का जड़ दिया है बल्लेबाज ने। वाइड गेंद की छक्कों के बारिश करने वाले हैं। फिर से उठा के मारा है और फील्डिंग मिस वहां 4 रन। तो इस तरह से फील्डिंग करने पर ये काफी महंगा पड़ेगा एसबीसी सरमंदा को। काफी अच्छी गेंदबाजी आशीष का। अच्छा कमबैक करते हुए कैच मिस। बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन सरमदा के टीम द्वारा। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उठा के मारा है सीधे 6 रनों के लिए। पहला बॉल अच्छा डाले थे पर दूसरे बॉल पर बल्लेबाज ने छक्का जड़ दिया है। बारिश काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पप्पू जो नॉन स्ट्राइक पर ही फिर से उठा के मारा है सीधे कमेंट्री बॉक्स पर 6 रनों के लिए। अजीत काफी महंगे साबित होते हुए पहले ओवर पर 24 रन दिए थे। अब दूसरे ओवर अब तक 2 छक्का लग चुका है। तो इस तरह बल्लेबाज इस तरह गेंदबाजी करने पर टीम का स्कोर 100 रन पार हो जाएगा। तो सरमंदा के टीम को जल्द से जल्द अपनी रणनीति बदलनी होगी। अगली गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज अजीत। बल्लेबाज बारिश भी तैयार। फिर से उठा के मारा है सीधे 6 रनों के लिए। सीधे टावर पर लगती हुई है छक्का और इसी के साथ बारिश ने हैट्रिक छक्का जड़ दिया है। आज तो बारिश छक्कों की बारिश कर रहे हैं।
फिर से उठा के मारा है, फिर से 6 रन, लगातार 4 छक्का, काफी महंगा ओवर। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। अभी मात्र 3 ओवर ही प्रगति पर है। इसके बाद जो मैच होने वाला है जेसीए जुरी वर्सेस फोर्स 11 महुल्डी, तो दोनों ही टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द प्लेयर लिस्ट जमा कर दे। अच्छी शॉट, प्रथम मैच जे भावे होवार से भावे शुरू हुए छे। खेला जे भावे होवार कथा छिलो से भावे शुरू हुए छे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 3 ओवरेर समाप्तिर पर खूब सुंदर खेला चलछे, वन साइड खेला हो गेछे, रान रानेर बर्षा हो गेछे, आबार मेरेछे किन्तु 1 रान। আর 1 রানের বিনিময়ে টিমের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রানো কা বারিশ হো রাহা, পরের বল এবার আবার হালকা করে মেরেছে 6-6টি রান। শটটায় দম ছিল না, মোটামুটি বাউন্ডারি লাইনটা একটু পার করেছে। আর 100 রানের তালি, 104 রান এতক্ষণ পর্যন্ত হয়ে গেছে চারডিহাত। প্রথম আজকের সামনে এবারে কিন্তু খুব জোরদার শট মেরেছে আর স্টেডিয়ামের বাইরে 6-6টি রান। আর এই 6 রানের বিনিময়ে টিমের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 110, মানে 109 রান পার হয়ে গেছে। আর এম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভার শেষ। বারিশের 50 রান পার হয়ে গেছে, তালি দিয়ে স্বাগত জানান। প্লেয়াররা খেলছে তো, যার কারণে হতেও পারে বারিশ। আবার মেরে দিয়েছে অফসাইডে 4টি রান, টিমের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 116। হালকা করে ঠেলে দিয়েছে, এটাই কিন্তু ব্যাট চালালে 6-4 পাওয়া যেত। আবার পিসপিল 1 রান, এই 1 রানের বিনিময়ে টিমের রান সংখ্যা মোট 117 রান। টুন্নু বাড় যাও, বাড় যাও, 117। টিমের রান সংখ্যা 121 রান। পরের বল হাতে বল ধরতে পারেননি, ধরলে রান আউট হতো। আগলে বল্লেবাজ জো হ্যায় বারিশ, দেখনা হোগা। প্রবীণ 11 নে টস জিত কর, টস জিতা হ্যায় ক্যা লেঙ্গে? ব্যাটিং করেঙ্গে। আপ কিতনা স্কোর তক দেনা চাহতে হ্যায়, কিতনা টার্গেট দেনা চাহতে হ্যায়? না, জ্যাদা সে জ্যাদা স্কোর হো সকে অরুণ দেঙ্গে, সামনা করেঙ্গে বারিশ। ফির ভি কিতনা, 6 ওভার মে কিতনা আপ চাহেঙ্গে? आपकी बल्लेबाजी में कितना गहराई है? 80 प्लस। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर बल्लेबाजी में कोशिश, नो मैन्स लैंड, यहाँ पर बॉल गिरता हुआ। और कितने बल्लेबाज
सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और कितने गेंदबाज को इस मैच में भाग्यशाली रहे, यहाँ पर कोई फील्डर नहीं था वरना एक और विकेट का पतन होता। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। छोटा लक्ष्य है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। स्ट्राइक पर बारिश, अच्छी गेंद वहां पर पूरी तरह से बीट किए, थोड़ी सी अपील थी वहां पर लेग बाय की LBW की, बट एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं और एक रन। इस तरह से ओवर की समाप्ति, पहला ओवर की समाप्ति पर 3 रन, 44 रनों का लक्ष्य निर्धारित 6 ओवरों में। अभी भी 41 रन चाहिए 30 गेंदों में। यदि इस मैच को चारडिया को जीतना है, लोकल स्टार चारडिया को जीतना है, तो 30 गेंदों में 41 रन चाहिए। सामना करेंगे बारिश, दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज। दूसरा ओवर लेकर प्रस्तुत होते हो जोकर, सामने है बारिश। लेग साइड में खेल दिया, कोई मौका नहीं किसी के पास, गेंद गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर बारिश के द्वारा, जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी आउट ऑफ लेंथ में जा रही थी, उसको अच्छा दिशा दिखाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, तो इस 4 रनों को बदलो टीम का रन संख्या जा पहुंचा है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 44 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद, सामने है बारिश, फिर से उठा के खेला है, कोई मौका नहीं वहां पर किसी भी फील्डर के पास और गेंद गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर रन संख्या को पहुंचा दिया है 11-1-1-4-1, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां बारिश के द्वारा, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर फील्डर जो है सिर्फ 2 रह सकते हैं, तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, गैप ढूंढ रहे हैं और चौका निकाल रहे हैं। काफी बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। जोकर की अगली गेंद, सामने है बारिश, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए फिर से उठा के खेला है, कोई मौका नहीं, मिड ऑफ के क्षेत्र पर सीधा गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही धुआंधार यहां पर बल्लेबाजी बारिश के द्वारा, 2-4 उसके बाद 1-6, 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या जा पहुंची है 17 रन। थोड़ा सा बॉल जो दर्शक है वहां पर, थोड़ा सा बॉल को फेंक दे बाउंड्री, थोड़ा ले आए बॉल को, जो भी दर्शक है कृपया करके बॉल दे दे। एक आती सी पारी यहां पर देखने को मिल रहा है बारिश के द्वारा, लोकल स्टार चारडिया की। रनों की बारिश कर रहे हैं यहां पर बारिश, उनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है, और भी रनों का अंबार वो लगाएंगे यही सोचकर क्रीज पर उतरे हुए, अभी भी जमे हुए हैं, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है उनके पास, 44 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद, फिर से उठा के खेला है, गेंद जा रही है सीधा मिड ऑन के क्षेत्र से 6 रनों के लिए, 75 मीटर लंबा छक्का बारिश के बल्ले से, फिर से वो रनों की बारिश ही कर रहे हैं। अभी तक
और ये रिवर्स स्वीप खेल दिया है, गेंद गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लय को प्राप्त कर लिया है, क्या बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दर्शकों को बना दिया है फील्डर, यहाँ पर बारिश कर रहे हैं चारों तरफ चौकों छक्कों की, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी। अगली गेंद फिर से अब लेग साइड में खेला है, थोड़ा सा कैच का चांस हो सकता था पर वो छूट गया, बहुत दूर से दौड़े थे, बहुत बड़ा मौका था यहाँ पर, छूट चुका है यहाँ पर। इस एक रन की बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। दो अर्जुन सामने है बारिश, और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर पीयूष गोस्वामी के द्वारा, साथ में पहला बाउंसर की भी चेतावनी, तो 1 रन का इजाफा, रन संख्या जा पहुंचा अभी 31, 13 रनों की और आवश्यकता है। फिर से नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर पीयूष गोस्वामी के द्वारा, हो भी क्यों ना, इसके पहले एक चेतावनी दिया गया था और ये फ्री हिट गेंद होगी, पहला बाउंस इसके पहले दिया गया था तो वहां पर नो बॉल हुआ, अच्छी अंपायरिंग यहां पर पीयूष गोस्वामी के द्वारा, बहुत ही अनुभवी। अगली गेंद अच्छी गेंद वहां पर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बारिश को, और इस 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा 33 रन, 33-1, तीसरा ओवर प्रगति पर है। कि बारिश रनों की बारिश कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उन्हीं को दिया जाए, अच्छी यहां पर रणनीति कही जाएगी पप्पू के द्वारा, 1 रन लेके बारिश को दे दिया, रन संख्या जा पहुंचा अभी 34। फिर से कट किया वहां पर ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बारिश को, रन संख्या जा पहुंची है, पहले एक छक्का उन्होंने भी लगाया और फिर 1 रन ले लिया, तो अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाज के बीच, 42 रन। हमारे दो अनुभवी अंपायर मधु भट्टाचार्य जी और पीयूष गोस्वामी जी, बहुत ही अनुभवी अंपायर, और ये किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है सीधा 4 रनों के लिए। इस तरह से चारडिया की टीम ने बहुत ही आसानी से यह मैच जीत लिया है।